अगस्त का दिन हो और लोगों का जोश खरोश ना हो। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यूहन्नाबाद में और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों का बड़ा ज़बरदस्त जोश खरोश जो है वो हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ एक बच्चा पार्टी है, हम उनसे पूछेंगे कि 14 अगस्त को आप खुशियाँ किस तरह से मनाते हैं। भाई, आप अगर 14 अगस्त के हवाले से हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं। हमें तो जश्न आज़ादी मना कर बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम अपने बच्चों को लेके बाहर निकले हैं कि ये बच्चे खुशी का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे आज़ाद हुआ था, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। आप किस तरह से इस दिन को जो है वो मनाने के लिए अपने बच्चों को जो है वो तैयार कर रहे हैं? सर, अच्छे तरीके से, जैसे सब मनाते हैं, अच्छी हंसी खुशी, सुलह सफाई। नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीछे हमें कुछ फ्लेक्सिस नज़र आ रही हैं, फेवर ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री, और ये 75वें जो यौम आज़ादी का जो दिन है उसको मनाने के लिए इन्होंने ये जो फ्लेक्सिस हैं वो डिज़ाइन की हैं। तो आएँ हम अपनी बहन से पूछते हैं कि उन्होंने किस लिए ये जो फ्लेक्सिस हैं वो बनवाई हैं, ताकि एक तो अपनी मोहब्बत का जो इजहार है मुल्क पाकिस्तान से वो कर सकें, और दूसरा वो जो कि मैसेज इस आज़ादी के दिन पर हमारे लोगों को देना चाहते हैं तो वो भी वो दे सकते हैं। मसीह यीशु के जलाली बबरकत नाम में देखने और सुनने वालों को नुसरत चौधरी की तरफ से सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये यौम आज़ादी बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं, और ये वाकई ही वाजिब है कि ये जैसे 75वीं ये यौम आज़ादी है, ये हमारे क्रिश्चनों के लिए वाकई ही वाजिब है। हम इसको बहुत अपने दिल जान से खुशी से मनाते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने मुझे देख रहे हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, और इस बात के वसीला से और ज़्यादा लोग भी जज्बा और जोश से मना सकें। आप एक नारा लगा सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ यहाँ पे यूहन्नाबाद के कुछ नौजवान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो इस जश्न आज़ादी के दिन को किस तरह से मना रहे हैं, और उनका जो जोश है, उनका जो जज्बा है अपने मुल्क के लिए किस तरह से जो है वो हौसला अफजा है। जी सर, हम यहाँ पे यूहन्नाबाद में बड़े अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पूरी मतलब कहीं पर भी इस तरह मनाया नहीं जाता इंडिपेंडेंस डे जिस तरह यूहन्नाबाद में मनाया जा रहा है। बाकी पाकिस्तान, आई लव यू पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जी नाज़रीन, अभी हम एक और स्टॉल पे मौजूद हैं और हम बात करेंगे यहाँ पे एक नौजवान से, और हम उनसे पूछेंगे कि ये जो आज़ादी का दिन है वो किस तरह से जो है वो अपनी खुशी का और अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, और हम बहुत खुश हैं कि हमें ये ज़िंदगी में ऐसा मौका मिलता है कि हम आज़ादी को मना सकें, और हमारी खुशकिस्मती है कि हम हर साल ये आज़ादी मनाते हैं और बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं। और ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं, मुझे रौनक मेले लगे हैं, जैसे स्टॉल लगे हैं, और हर हिसाब से मना रहे हैं हम। अच्छा, लोग ये तो नहीं कहते कि चीज़ें महंगी हैं? जी जी, ये तो कहते हैं महंगी, क्योंकि महंगाई भी है। हाँ। और हमारा भी कारोबार है, लेकिन फिर भी जो जोश है इस महंगाई में भी लोगों का आपको नज़र आ रहा है। जी जी, ये तो बात है, आज़ादी है तो जोश तो होगा, आज़ादी है तो जोश तो होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक फैमिली यहाँ पे मौजूद है जो अपने बच्चों के लिए यहाँ से बाजे और ये बैंड वगैरह जो हैं वो ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, तो आएँ हम उनसे बात करते हैं। सर, आप हमें यहाँ पे बताएं कि आप बच्चों के लिए बाजे और हमने देखा हेयर बैंड वगैरह लिए हैं, तो चीज़ें महंगी तो नहीं है ज़्यादा? महंगी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और ये छोटे बेटे को लेके दिया मैंने, अब इसके साथ के एक सारे बिकी हैं इसके सुबह के। भाजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले से ज़्यादा रश है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें देखकर ये सारी चीज़ें। तो हम कह सकते हैं कि लोगों का जो जोश है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यूहन्नाबाद में बहुत ज़्यादा रश है इस दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा। जी नाज़रीन, ये थे यूहन्नाबाद के रहायशी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक बहन से बात की, उनके शोहर से बात की, और आप उनके बच्चों को भी देख सकते हैं। नाज़रीन, अभी हम एक और स्टॉल पर मौजूद हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 14 अगस्त के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, और लोग जो हैं वो यहाँ पे बड़े जोश खरोश के साथ आ रहे हैं ताकि अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए यहाँ से चूड़ियाँ और जो बाजे वगैरह हैं वो लेके जाएँ। तो अभी हम दुकानदार भाई से पूछेंगे कि लोग किस तरह से आके जो है ये 14 अगस्त के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं उनको ख़रीदने के लिए उनका जो रुझान है वो कैसा है। ठीक है, लोग आ रहे हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं, बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन जैसे किसी को ज़रूरत होती है बच्चों की चीज़ें लेके जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसकी क्या वजह है कि लोग कम क्यों आ रहे हैं? काम इसलिए कम आ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास उतने रुपया पैसा नहीं है, जितना बकाया सालों में राशि होता है इतना इस साल में राशि नहीं है।
जी अभी ये भाई बता रहे हैं कि लोगों को महंगाई की वजह से जो है वो दुकानों का रुख करते हुए डर भी लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें खरीद नहीं सकते और वो अपने बच्चों को जो है वो बहला फुसला के बहुत कम चीज़ें यहाँ से ले कर दे सकते हैं और वो उन्हीं से जो है वो गुजारा करें और इन्हीं से जो है वो 14 अगस्त का जो दिन है उसको सेलिब्रेट करें। तो आए नाज़रीन अभी हम आगे चलते हैं और बाकी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से इस आज़ादी के दिन को जो है वो मना रहे हैं। अभी हम एक दुकान पर मौजूद हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बच्चों के जो 14 अगस्त के हवाले से जो कपड़े हैं उनके ड्रेसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बाजे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम दुकानदार से पूछेंगे कि आप हमें बताएं कि लोग जो हैं वो 14 अगस्त के लिए अपने बच्चों को जो खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो वो किस तरह से कपड़े और जो बाजे वगैरह हैं वो ले रहे हैं और ये 14 अगस्त का दिन वो किस तरह से मना रहे हैं। बात कुछ इस तरह है कि महंगाई ने लोगों का जीना आराम किया हुआ है, सुबह से मेरा हाल बड़ी मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपया हुआ है, तो बस ऐसे ही चल रहा है गुजारा। आप कोई 14 अगस्त के हवाले से कोई मैसेज देना चाहते हैं? हम हुकूमत को मैसेज दे सकते हैं, थोड़ी महंगाई कम करें। जी नाज़रीन जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हम यहाँ पे यूहन्नाबाद में मौजूद हैं और ये 14 अगस्त का दिन है और यहाँ पे आप लोगों का जो जोश खरोश है उसको देख भी रहे हैं और किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पे जोक दर जोक आ रहे हैं और अपने बच्चों के लिए यहाँ से ड्रेसेस ले रहे हैं, उनके लिए जो बाजे हैं वो ले रहे हैं, बैंड्स ले रहे हैं, चूड़ियाँ ले रहे हैं, इसके अलावा उनके फेस के ऊपर लगाने के लिए जो है वो कलर पेंट ले रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि कहने को ये एक माइनॉरिटी का इलाका है, ये एक क्रिश्चियन इलाका है और यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं, तो भी जो उनकी मोहब्बत है जो उनका जोश है वो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ कम नज़र नहीं आ रहा और वो अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो डांस करके जो है वो कर रहे हैं, वो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें लेकर ख़रीद कर कर रहे हैं और साथ ही साथ वो एक दूसरे के साथ जो अपनी मोहब्बत और अपने जो यकजहती का जो इजहार है उससे भी करने से वो बाज नहीं आ रहे और ये पैगाम वो पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी का नहीं है बल्कि पाकिस्तान जो है वो हर एक पाकिस्तानी का है, ख्वाह वो क्रिश्चियन है, ख्वाह वो हिंदू है, ख्वाह वो सिख है और ख्वाह वो मुसलमान है और ये जो पैगाम है ये सिर्फ मुल्क पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि ये जो पैगाम है ये पूरी दुनिया तक जाएगा कि पाकिस्तान में रहने वाली जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो भी अपने मुल्क से उतनी ही शिद्दत से उतनी ही मोहब्बत का जो इजहार है वो करते हैं जिस तरह से यहाँ पे रहने वाली जो दूसरी मेजॉरिटीज़ हैं वो करती हैं। तो ये एक ऐसा पैगाम 14 अगस्त के हवाले से और ख़ास करके पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर और यूहन्नाबाद से ये पूरी दुनिया तक पैगाम जाएगा और ये जो पैगाम है ये जो है इंसानियत और मोहब्बत का जो दर्स है उसको कायम करने का जो है वो वसीला बनेगा। अब मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।